नमस्कार, मैं रिया और आप देख रही हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब के आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, मायोपिया अगर बात करें कि ये लोगों को परेशानी होती है तो कैसे समझे कि उन्हें मायोपिया हुआ है? देखिए, आँखों का सबसे अगर कॉमन डिजीज है या सिम्टम है तो वो रिफ्रैक्ट्री एरर है। रिफ्रैक्ट्री एरर का मतलब वो चश्मा जांच के बाद वो ठीक हो सकता है। चश्मा जांच में रिफ्रैक्ट्री एरर में मायोपिया बहुत कॉमन है। मायोपिया का मतलब होता है कि आप माइनस ग्लास यूज़ करते हैं, आपका आईबॉल बड़ा होता है, आगे से रोशनी की किरणें रेटिना के आगे पड़ती हैं तो आपको दिखाई देने में कमी होती है। दिखने में कमी होने के कारण आपको, जब आप कनकेव लेंस लगाते हैं तो दिख, फोकस कनकेव लेंस लगाते हैं तो फोकस रेटिना पर होता है और आपको साफ साफ दिखता है। कनकेव लेंस का मतलब होता है माइनस ग्लास। ये हुआ मायोपिया। ये काफ़ी कॉमन डिसऑर्डर है, खासकर बच्चों में या बड़ों में। तो हम लोग स्कूल, कितने बच्चे कंप्लेन नहीं करते हैं वो अगर आप देखिए कि घर में हैं, वो टीवी नज़दीक से देखते हैं, फ़ोन नज़दीक से देखते हैं, पढ़ाई नज़दीक से करते हैं, तो संभवतः वो मायोपिया हो सकता है। इसीलिए बच्चों को, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनको नियमित आँख का जांच कराते रहना है ताकि मायोपिया ऐसी बीमारियों का हम पहले पहचान कर लें और बच्चों को दिखाई ठीक दे ताकि वो अपना जो डे टू डे वर्क के साथ साथ पढ़ाई लिखाई के साथ साथ बच्चों का विकास प्रॉपर हो। क्योंकि बच्चों को दिखाई कम देगा, मायोपिया होगा, बच्चे बोलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं तो बच्चे वो पढ़ाई में पीछे बेंच पर रहेंगे, दिखाई नहीं देगा, पढ़ाई में पीछे आ जाएंगे, उनके मस्तिष्क पर ये बुरा असर करेगा, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कमी हो जाएगी। तो एक मायोपिया इतने चीज़ कर सकते हैं बच्चों का। इसीलिए अगर आपके बच्चे हैं, खासकर आप अगर पेरेंट्स में कोई मायोपिक हैं खासकर, तो बच्चों का निश्चित ही रेगुलर चेकअप कराएं और नेत्र रोग विशेषज्ञ जो चश्मा दें मायोपिया का माइनस ग्लास वो पहने, ये महत्वपूर्ण है। मायोपिया के साथ है क्या कि अगर हाई मायोपिया अगर होता है तो हाई मायोपिया में चूंकि आईबॉल बड़ा हो जाता है तो रेटिना जब डेवलप करता है तो पीछे तरफ रेटिना पतला हो जाता है, रेटिनल डीजेनरेशंस मिलते हैं। डीजेनरेशंस में WWOP एरियाज, लैटिस वगैरह होता है, ज़्यादा होने पर उसमें होल्स होते हैं। तो अगर होल्स हों, इसीलिए अगर मायोपिक पेशेंट कोई है तो नियमित अंतराल पर उसका इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी रेटिना का जांच कर लें कि अगर होल हो तो तुरंत में उसको लेज़र वगैरह कराएं, लैटिस हो लेज़र वगैरह कराएं ताकि होल बढ़ेगा नहीं और पर्दा उखड़ेगा नहीं, रेटिनल डिटैचमेंट से आप बच सकेंगे। और ये नहीं कराएंगे अगर, तो मायोपिक पेशेंट में डिजेनरेशंस होते हैं, पेरिफेरल पिगमेंट, पेरिफेरल रेटिनल डिजेनरेशंस, उसमें होल मिल सकते हैं, होल से रेटिनल डिटैचमेंट होगा, पर्दा उखड़ेगा, रोशनी जा सकती है। और पर्दा उखड़ने का इलाज केवल पर्दा उखड़ने का ऑपरेशन है, लेकिन ऑपरेशन करने के बाद भी रोशनी कभी कभी बहुत अच्छी नहीं आती है। इसलिए अगर आप मायोपिक पेशेंट हैं तो नियमित अंतराल में चिकित्सक से करें ताकि वो मायोपिया में माइनस ग्लास के चश्मे का पावर भी बदल दे, आपका रेटिना का एग्जामिनेशन कर ले कि रेटिना में कोई दिक्कत नहीं हो, इसके साथ ही प्रेशर वगैरह देख ले, क्योंकि मायोपिया का एसोसिएशन बड़े लोगों में ग्लूकोमा से भी है। तो इन सब चीज़ों का, मायोपिया केवल एक चीज़ नहीं, उसे आप इन टोटैलिटी देखें तो उस सब बीमारी से आप बच सकेंगे। रेटिनल डिटैचमेंट से मायोपिया का ससेप्टिबिलिटी है। तो अगर पर्दा, जैसे मैंने कहा कि मायोपिक पेशेंट और हाई मायोपिया अगर हो, बहुत हाई मायोपिया है तो उसके रेटिना में, और मायोपिक कोरियो रेटिनल डिजेनरेशंस मिलते हैं, पेरिफेरल डिजेनरेशन मिलते हैं, वैसे लोगों का माइनस ग्लास का चश्मा का पावर ज़्यादा होने के कारण दिखाई कम देता है चश्मा के साथ भी। तो ये सब चीज़ें मायोपिया में होते हैं। अब मायोपिया का इलाज क्या है? मायोपिया का इलाज एक तो है कि ऑपरेशन मायोपिया का इलाज है, एक सबसे आसान इलाज है मायोपिया का चश्मा। लेकिन किसी का अगर बहुत ज़्यादा चश्मे का पावर हो, देखने में दिक्कत हो, तो वैसे लोग अपना लेसिक करा सकते हैं, ICL लगवा सकते हैं अगर आई फिट हो, तब कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन देखने पर होता है कि किस कारण से होते हैं। तो ये सब ऑपरेशन से, मतलब चश्मा बनाना है, फिर ऑपरेशन हो सकता है, फिर कॉन्टैक्ट लेंस हो सकता है, ICL हो सकता है, लेसिक हो सकता है, सभी करके मायोपिया का उपचार आजकल संभव है। लेकिन तब भी बाकी चीज़ों का उसे रेगुलर एग्जामिनेशन कराते रहना है नेत्र चिकित्सक से।
तो शुक्रिया डॉक्टर साहब जो आपने मायोपिया के बारे में जानकारी दी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि लोग इसको समझे होंगे और अच्छे से इन बातों को लेंगे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। तो आप डॉक्टर सुनील कुमार सिंह को सुने थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ मायोपिया के बारे में साझा की। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।